इंदौर के राव नगर पंचायत स्थित सब्जी मंडी व अस्पताल के सामने नगर निगम कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क के नियमों का हवाला देकर जमकर उत्पात मचाया। सब्जी व्यापारियों की सब्जियां सड़क पर व नालियों में फेंक दी गईं। इस दौरान सोमवार देर शाम जमकर हंगामा हुआ। उक्त घटना सोमवार रात करीब 9:45 बजे की बताई जा रही है, जहां राव सब्जी मंडी हॉस्पिटल के बाहर नगर निगम कर्मचारियों ने उत्पात मचाते हुए नालियों में सब्जियों को फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक दिन में करीब 4 बजे निगम ने राव नगर निगम पालिका को सब्जी मंडी व्यापारियों को अन्यत्र स्थान नर्मदा रोड पर जाने के लिए आदेशित किया था। ठेला एवं पद व्यवसायी महासंघ राव की अध्यक्ष पार्वती वर्मा ने नगर निगम कर्मचारियों से आदेश की कॉपी मांगी, परंतु दादागिरी करते हुए मंडी नहीं लगने देने का महाफरमान सुनाकर कर्मचारी चलते बने। पार्वती वर्मा ने इसकी जानकारी श्रम आंदोलन के संस्थापक राजेश बिडकर एवं साथियों को दी। मदद के लिए अन्य ठेला चालक पहुंच गए, परिस्थिति को भांपते हुए कर्मचारी गायब हो गए। इसका बदला कर्मचारियों ने रात को सब्जी एवं सामान फेंक कर लिया। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोज यहाँ व्यापार व्यवसाय हो रहा है। व्यापारी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न तरीके से निगम कर्मी आम जन को आए दिन परेशान करते हैं। आपको मालूम सर कितनी परेशानी में सर, ये गलत बात है ना, किसी गरीब का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आपको बोला था हमने भर रहे हैं, हम भी बोला कि हम उठा रहे हैं और ये आते हैं, मतलब नहीं नहीं हम ये सामान नहीं उठाएंगे सर, ये बेच जाती गरीब की आप बतुआ ले रहे हो, गरीब की इच्छा हल्की कर रहा हूँ, ये कोई नुकसान वाली बात है कि नहीं सर? नहीं तो माल इसी पड़ा रहेगा सर, भले हम रात भर यहीं बैठे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम रात भर भले यहीं बैठे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारे को ये जो माल का नुकसान हुआ आप फ्री में भर जाओ, नीचे हमारे को पैसे भी नहीं चाहिए, बाकी ये तो गलत कर रहे हो आप, किसी गरीब का नुकसान कर रहे हो आप, कोई आदमी कैसे ये कोई बात होती क्या? सुबह 6 बजे आदमी उठ के मंडी आता है सर, कैसे कमा के खा रही वही जानता है, बाकी आते ही माल फेंकना चालू कर दिया, हमने बोला अवेर, हमने क्या अवेर रहा है, बाकी आते ही पल्ली 6-7 जने और फेंकना चालू कर दिया। देखो साहब ये रहू का बाजार है भैया, रहू के अधिकारी देखो यहाँ कैसा चल रहा है, यहाँ का मामला ये दादागिरी चल रही है, गुंडाई चल रही है और कुछ भी नहीं है, ये गरीब का नुकसान कर रहे हैं, आदमी हर आदमी परेशान है अभी लॉकडाउन में, क्या जाने कैसे कमा के खा रहे हैं और ये लोग खाली इनको बस गरीब का नुकसान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, क्या बोला जाए इनके बारे में? ये तो गलत बात है भाई साहब, ये माल भी भर जाओ, हेलो माल कुछ भी नहीं जाएगा, यही पड़ा रहेगा माल आज। वो नगर पालिका वाले यार, हम तो अवेयर रहे सर, पैसे ना ऐसे सब नाली फिरते यार, ये कोई बात होती है यार? अरे क्या बीन ले यार बताओ, भक्का 2 मिनट में देख के यार, ये तो दादागिरी कर रहे हैं भैया नगर निगम वाले, अरे वो 6-7 जने थे यार, अवेयर ही रहे हम तो सारे, वो जो आए तो उठाने वाले, ये गलत बात है, मार्केट बंद होने का टाइम गलत है, अभी 9 बजे है, आप बताइए, मैं भी न्यूज चलवाता हूँ भाई साहब, राहू का बाजार है देखो यहाँ की स्थिति, राहू के बाजार में क्या किया आपके साथ आप बताओ, अरे आए और गए दुकान है, हमने अवेयरनेस चालू करी, मार्केट बंद होने का टाइम 9 बजे है ना, 9 बजे का टाइम है, अगर वो बोला है उन्होंने, हमने वैसे ही अवेयरनेस चालू कर दी, अब वो तो आए और बराबर सब देख दिया, अब ऐसे ना पैसा कहीं कुछ भी नहीं है मेरा, जय जय साधु।
वो पहचानते नहीं, वो नगर पालिका वाले जो पर्ची पैसे लेने आते हैं वही लोग है। हाँ ये तो मोकट की यार, आदमी जैसे तैसे कमा के खा रही है।